लोगों ने एक भ्रांतियां बना दी कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं, ये निराधार गलत है। अभी हमने बताया कृष्ण के गोलोक धाम में सुभद्र और बलभद्र जो थे वो भगवान कृष्ण के सेवक थे, लेकिन आधुनिक युग में उनको भाई बहन से सुभद्रा और बलदाऊ से जोड़ दिया गया। इतिहास जब हमारा ज़्यादा प्राचीन होता है तो हमारा मूल स्वरूप खिसकने लगता है और उसमें भ्रांतियाँ जुड़ने लगती। अवतार, ये मत्स्य अवतार, ये बावन अवतार, ऊपर देखेंगे रामचंद्र जी का अवतार, ऊपर उसके नारद मुनि का अवतार। महाभारत काल के बाद वो मंदिर बना, पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती, ये गुप्त काल से मेल खाती है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि इतना प्राचीनतम स्थान फिर जीवंत कैसे? अब आपको हम जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति बताते हैं कि जगन्नाथ शब्द कहाँ से प्रारंभ हुआ। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको सनातन के इतिहास के बारे में कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, ये मंदिर है या अंतरिक्ष यान? प्रथम दृष्टया तो इसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये एक अंतरिक्ष यान का टूटा हुआ टुकड़ा है, जैसे किसी रॉकेट से उसका लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया हो और पृथ्वी पर लैंड कर गया हो। परंतु जो भी व्यक्ति इस अंतरिक्ष यान के टुकड़े से इस धरा पर आया था, फिर वो कभी वापस नहीं गया। 4,200 वर्ष, ये अपने आप में एक चमत्कार है। इसका विश्लेषण तो करना पड़ेगा, परंतु पहले और जान लेते हैं इस स्थान के बारे में। 4,200 वर्ष अंदर की कार्बन डेटिंग, बाहर का जो स्ट्रक्चर है ये 1883 वर्ष पुराना है। अच्छा, आपको पता है कार्बन डेटिंग क्या होती है? जी, पता है आपको? पुरातत्व। अच्छा, आप ASI से हैं? तो ये स्थान सनातन से जुड़े रहस्यों के नए आयाम को खोलता है। जब भी आप मंदिर में जाते हैं अपने मन को धीर करने के लिए, शांत करने के लिए, परंतु ये स्थान आपके मन को शांत नहीं करता अपितु उसे और जिज्ञासु बना देता है ये जानने के लिए कि इस मंदिर के पीछे रहस्य क्या है। नहीं कहते हैं, ये 12 खंभे प्रमाणित करते हैं कि ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है, अर्थात ये महाभारत से बहुत पहले का है। ये सुनकर इस मंदिर के बारे में मेरी विचारधारा बिल्कुल परिवर्तित हो गई। क्या ये एक ऐसा स्थान है जिसने अपने आप को त्रेता युग से आज तक छुपा कर रखा हुआ है? पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है, ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। इस मंदिर के साथ बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। एक जनश्रुति तो ये बताती है कि यहाँ से कभी सरस्वती नदी होकर बहती थी इसी स्थान से, और इस मंदिर का निर्माण उस नदी के अंदर कराया गया था। इसी कारण इसका जो डिजाइन है वो ऐसा एरोडायनामिक डिजाइन है इसका, क्योंकि इसका निर्माण उस नदी के नीचे हुआ था। अब बहुत से लोग इस बात पर हंसेंगे, परंतु जब भी आप किसी की विचारधारा या मान्यता पर हंसते हैं तो आप उस कल्पना के मार्ग को विरुद्ध कर देते हैं जिसके कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, क्योंकि हम और हमारी सृष्टि भी एक कल्पना मात्र है। तो इस मंदिर के रहस्यों को जानना अति आवश्यक है। वैसे तो इस मंदिर के साथ बहुत सारी मान्यताएं और रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, परंतु सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये मंदिर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से भी प्राचीनतम मंदिर है। और यदि ये सत्य है तो इससे बड़ा रहस्य आज तक कोई भी उजागर नहीं हुआ होगा। इस तथ्य के पीछे क्या प्रमाण हैं? ये जानने के लिए मैंने बात की उस व्यक्ति से जो इस मंदिर में सबसे अधिक समय व्यतीत करता है, यहाँ के पुजारी जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ के पुजारी जी का निवास स्थान दिखाना चाहता हूँ। उससे ही ये ज्ञात होता है कि जो यहाँ के पुजारी जी हैं वो सत्य बोल रहे हैं या नहीं, क्या वो केवल धन के पीछे हैं या उनकी ध्यान में भी रुचि है। तो ये है उनका निवास स्थान। दोस्तों, एक अद्भुत मंदिर है यहाँ पे जगन्नाथ जी का, जिनके आधार पर, मूल आधार पर ही उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। सो नहीं और पाया था, मुझे जो सेवक होटल नहीं मिला था। तो मेरे साथ में है समय में मेरे पंडित नाम सूरत नाम पे 12 बज रहे हैं। केपी शुक्ला जी हैं और इनका आवास दिखाऊंगा मैं आपको। पंडित जी कैसे रहा करते हैं ये आवास देखना अनिवार्य है आप लोगों के लिए। जो सुख संपदा आपको अपने दिल्ली के एसी रूम में मिलती है या पहाड़ों में मिलती है, वो कानपुर देहात के एक बहुत ही भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में पाने का प्रयास करती है माताजी। माताजी, क्या बन रहा है भोजन में? उदास हुआ।
सच में मुझे बहुत बहुत उदास हुआ ये देख के कि हमारे बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां भक्तगण करोड़ों की संख्या में आते हैं और ऐसे मंदिर जिनका इतिहास संभवतः सबसे आज एकादशी है तो माता जी ने यहाँ तुरई बनाई। और ये क्या है जो पुजारी जी हैं, ये क्या है माता जी का जो भोजन है वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा। लौकी वाली है, व्यवस्था अच्छी नहीं। अरे ये लौकी है माता जी है, ये दूध है, ये चाय है और ये घर है। आपका नाम क्या है? भाई है जी जी, छोटे भाई जी जी छोटे। बाथरूम करने कहाँ जाते हो आप लोग? सोच के देखिए, ये नित कार्य करने लोटा लेके बाहर जाते हैं, वॉशरूम टॉयलेट। तो दोस्तों आप जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी जी से। इस मंदिर को बाहर से तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लग रहा है, परंतु इस मंदिर की दीवारें बहुत मोटी हैं, चौड़ी हैं, जैसे इस मंदिर की दीवारों के बीच में कोई स्थान हो जहां पर किसी प्रकार का आदिकाल में खजाना भर दिया गया हो, ताकि किसी को संदेह ना हो कि इस मंदिर के भीतर दीवारों के बीच में क्या है। मंदिर में आप घुसते हैं नीचे तो आपको लगेगा कि आप बहुत ही छोटे मंदिर में आ गए हैं, अर्थात जो ऊपर की छत है वो बहुत नीचे है, बीच में मंदिर के काफी बड़ा गैप है, बीच में हॉलो है वो मंदिर, या फिर उसमें कुछ भर रखा है। और अंदर है ये प्राचीनतम भगवान विष्णु की मूर्ति। आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथ क्यों कहते हैं? जानेंगे वीडियो में आगे। पहले पुजारी जी से इस मंदिर के रहस्य के बारे में सब जानते हैं। आशा करता हूं आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इस मंदिर का इतिहास आपको चौंका देगा। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, क्या ये मंदिर ओडिशा के जगन्नाथ पुरी से पुराना है? जी उसे हाँ प्राचीन है। पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ की जो मेन खासियत है जिसकी चर्चा आज विश्व में चल रही है, ये देखेंगे ऊपर छत में लगा हुआ ये स्क्वायर में लगा हुआ पत्थर है, प्लेन, यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है यही पत्थर पसीज के टपकने लगता है, कि इसमें जैसे ही मानसून बनता है ये वैसे ही पसीज के टपकना शुरू कर देता है, और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती, यानी भारी बरसात जब तक नहीं होती तब तक ये टपकता रहता है, और जैसे ही भारी बरसात होगी तो ये सूख जाएगा, फिर इस पर बूंदें नहीं दिखाई देंगी। दूसरी खासियत इसकी ये है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें आएंगी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पर शुरू से बूंदें आ जाती हैं तो शुरू अषाढ़ से अच्छी बरसात, यानी मतलब बाढ़ भी आ सकती है, ऐसी बरसात होगी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे किनारे बॉर्डर पे बूंदें आती हैं और फिर 8-10 रोज बाद संपूर्ण पत्थर पे बूंदें आती हैं तो फिर लेट अच्छी बरसात, फिर भादों या कुमार में ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ आ जाएगी। यदि इसके एक कोने में कॉर्नर में ही केवल बूंदें आती हैं तो फिर नॉर्मल बरसात, फिर कभी बरसात होगी कभी नहीं होगी, फिर लगातार अच्छी बरसात नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जैसे आप देखेंगे इधर किनारे, गौर से देखेंगे किनारे किनारे बॉर्डर में आपको बूंदें दिखाई देती होंगी एक आध, तो जब ये किनारे में नमी आती, इसमें नमी आती है तो इसके मतलब बादल आएंगे, लेकिन लगेगा कि बादल बरसात तो बहुत अच्छी होगी लेकिन बूंदाबांदी होकर निकल जाएगी। हाँ भी अच्छी बरसात नहीं होगी। यदि मतलब इस पत्थर का यही सिद्धांत है कि जितनी ज़्यादा अधिक बूंदें होंगी उतना ही अधिक पानी होगा, मतलब जैसी बूंद पानी उसी प्रकार से इसमें बूंदें, यही आज आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आज के युग में आधुनिक यंत्र बता रहे हैं लेकिन प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। दूसरी बात ये है, प्राचीनता की बात आई तो ये इतना प्राचीन मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर जीवंत हालत में नहीं होगा। इसका प्रमाण क्या है कि इतना प्राचीन मंदिर पूरे भारतवर्ष में जीवंत हालत में नहीं होगा? क्या छोटा भारत है? इतना विशाल भारत पूरे भारतवर्ष में जीवन थालत में इसके समकालीन मंदिर पुराना नहीं होगा? उसका प्रमाण बताते हैं। देखेंगे ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। वहाँ ये स्पष्ट अच्छा वहीं लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, लेकिन वहाँ स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि प्रतीक चिन्हों में किसकी पूजा करते थे, क्यों करते थे। कारण ये है कि सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का कोई भी संपूर्ण स्थान नहीं मिला, क्योंकि जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंडहर, आधे अधूरे मिले, इसीलिए इतिहास भी आधा अधूरा लिखा गया।
अब यहाँ हम बताते हैं कि इस चिन्ह की पूजा क्यों करते थे, प्रतीक चिन्ह की। कारण ये है, मेरे यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत के अंतर्गत जब भी हम विष्णु मूर्ति स्थापित करते हैं तो स्थापित करने से पहले हम नीचे का सिरा ही बनाते हैं। ये जो नीचे का सिरा होता है, हाँ, ये नीचे का सिरा बनाते हैं, और इस नीचे के सिरे को हम आज के युग में इसे हम फाउंडेशन बेस बोलते हैं। लेकिन हम पुराण की भाषा में ये जो नीचे का सिरा होता है इसे हम पिंडी अथवा प्रकृति बोलते हैं। इस संसार की दो ही शक्तियाँ हैं, एक प्रकृति, दूसरा प्रकृति पुरुष। तो ये नीचे का सिरा प्रकृति बोलते थे, और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको प्रकृति पुरुष बोलते थे। क्योंकि पुरुष, प्रकृति पुरुष, क्योंकि हमारे यहाँ दो ही शक्तियाँ हैं, ये हमारा शरीर प्रकृति का अंश है, हमारे अंदर जो जीव है वो प्रकृति पुरुष है। इसी तरह यहाँ भी होता था कि नीचे के सिरे को प्रकृति और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको प्रकृति पुरुष बोलते थे। तो ये नीचे का सिरा प्रकृति हुआ। प्रकृति के हमारे यहाँ तीन गुण होते हैं, कौन कौन तीन गुण होते हैं, सत, रज, तम, ये हो गई वेदी, जिसको आसन बोलते हैं। अब देखेंगे कि इतिहास में लिखता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। तो देखेंगे ये लिखता है इतिहास में प्रकृति चक्र है, लेकिन बना हुआ फूल है। ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसे गोला क्यों नहीं बनाया गया, फूल क्यों बनाया गया? कारण ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई कलाकार कोई कला बनाता है तो कला के अंदर अपना उद्देश्य छिपाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कलाएं बोलती हैं। तो कलाकार यहाँ कला के माध्यम से बताना चाहता है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की मुख्य देवी योग माया लक्ष्मी जी हैं। यहाँ लक्ष्मी जी का चक्र चल रहा है, सब लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी को पसंद क्या है, कमल का फूल। इसीलिए हमारे पुराणों में कहा गया, पद्मानिनी पद्मनी पदपत्री पद्मप्री पंदलाय ताची विश्वप्री विश्वमनोनुकूले तत्पाद पद्ममयी सन्नित। इसलिए प्रकृति के सेंटर में कमल का फूल बना करके कलाकार दर्शा रहा है कि प्रकृति की मुख्य देवी योग माया लक्ष्मी जी हैं, अर्थात कमल के फूल से। पुराण में लिखा हुआ है जिसे आपने अभी श्लोक बोला, ये कौन से पुराण से लिया आपने? ये जो इसमें आपको ब्रह्मवृत्त पुराण में मिलेगा, ब्रह्मव्रत। हाँ, ब्रह्मव्रत। तो देखेंगे कि ये जो यहाँ कलाकार ने कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को कमल के फूल से ये जो है बना करके दर्शाया कि जो है प्रकृति की मुख्य देवी योगमाया लक्ष्मी जी हैं, अर्थात कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक कर दिया गया। अब एक गौर करेंगे कि यहाँ प्रतीकात्मक पूजा करता है, यहाँ मूर्ति पूजा करता है, ये क्यों किया गया? तो हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि भगवान विष्णु की पूजा लक्ष्मी जी की अधूरी होती है, इसीलिए कहीं भी देखेंगे तो विष्णु के साथ लक्ष्मी जी होंगी, लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी के साथ लक्ष्मी जी का कोई प्राविधान नहीं। लेकिन अब गौर करेंगे, लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी हैं कौन? विष्णु का स्वरूप। यदि विष्णु का स्वरूप हैं तो इनकी अकेले पूजा होती है तो अधूरी है, इसीलिए कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक कर दिया गया। दूसरा प्राचीनता का उदाहरण आप देखेंगे, जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं वो देखते ही बता देंगे कि नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये देखेंगे, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतनाथ हैं, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हैं, ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। पशुपतनाथ भगवान शिव पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हैं, ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। कहीं आपने सुना नहीं होगा कि कहीं ऐसा मंदिर है जो कि शिव जी के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। कारण क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों की हमारी प्राचीनता सब भंग हो चुकी है, मुगलों ने हमारे मंदिरों को लूटा और तोड़ दिया, तो सभी मंदिरों की प्राचीनता भंग हो गई। आज ये ईश्वर का वरदान है कि जो यहाँ प्राचीनता बरकरार है। इतिहास में जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो सेम टू सेम यही फोटो देखने को मिलती है। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं खुदाई से खंडहर, चाहे वो लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहुत से स्थान हैं, तो सभी स्थान खुदाई से मिले। इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं मिलेगा। दूसरी बात देखेंगे, ये देखेंगे 12 पिलर्स हैं। ये राजा शिवी जो बहुत पहले हुए, जो एक तरफ तराजू में कबूतर और दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते गए, तो हाँ, तो राजा शिवी के जमाने में 12 द्वारी बनती थी।
ये पहले सब ओपन होती थी, खंभों के बीच में जगह होती थी, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए, राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए, यानी मतलब त्रेता युग में। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई, दुष्यंत और शकुंतला के भरत, भरत के बाद शांतन, शांतन के बाद भीष्म पितामह, तो बहुत बाद महाभारत हुई और महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। तो हम नहीं कहते हैं, ये 12 खंभे प्रमाणित करते हैं कि ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है, अर्थात ये महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरी बात एक और गौर करते हैं कि देखते हैं ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है। अब हम ये गौर करते हैं, जहाँ इस तरह टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहाँ गौर करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों का या नज़दीकी पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ 150-200 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं है। तो यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि पहले कोई इतने साधन नहीं चलते थे तो इतने भारी भारी पत्थर यहाँ आया कैसे। तो हम ये गौर करते हैं कि ये जो सभ्यताएँ हैं सिंधु और हड़प्पा, ये सब नदियों के किनारे पाई गई, क्योंकि प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी। जितने प्राचीन समय में नगर बसते थे या देवालय बनते थे वो नदियों के किनारे ही बसते, और जितना ट्रांसपोर्ट होता था, व्यापार होता था, वो सब नदियों के सहारे होता था। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी और उसी नदी के सहारे संपूर्ण पत्थर यहाँ लाया गया। लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम ये विचार करते हैं कि हम भाई गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए हैं कि संगम में 3 नदियाँ मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसीलिए उसे त्रिवेणी कहते थे, लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। अच्छा, ये जो प्राचीन सभ्यताएँ यहाँ पाई जाती हैं, कुछ पत्थर हमको यहाँ पाषाण काल का मिला, और पाषाण काल का पत्थर मिलना इससे ये प्रमाणित करता है कि नहीं, ये स्थान बहुत ही प्राचीनतम है। प्राचीन समय में गंगा से ज़्यादा सरस्वती नदी का महत्व था। जो भी ऋषियों मुनियों के आश्रम पहले होते थे वो सरस्वती नदी के किनारे ही होते थे। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, और सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं, महाभारत से बहुत पहले का है। तीसरा एग्जाम्पल हम देते हैं कि जब हम महाभारत पुराण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्र नाम का उपदेश दिया। अच्छा, विष्णु सहस्र नाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम में शुरु पाप्यापम। एक प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए तो महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आया। इससे ये महाभारत का श्लोक प्रमाणित करता है कि नहीं, महाभारत के पहले जगन्नाथ थे। जैसे आज भगवान कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं, प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। अब जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है पूरे संसार का मालिक, और संसार का मालिक तभी हो सकता है कि संसार की संपूर्ण शक्तियां उसके अधीन हों। यहाँ दिखाया गया कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं, ये देखेंगे बेटा, थोड़ा पीछे, ये नीचे का सिरा शिवर्गी टाइम, जिस मूर्तियों में जलाधार होता है पानी निकलने के लिए उत्तर दिशा को होता है। अब आप देखेंगे मूर्ति के ऊपर, आप देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें देखेंगे बैठी हुई मूर्ति, वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और नीचे के सिरा शिवर्गी टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने के तात्पर्य हुआ सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। यहाँ दर्शाया गया कि वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ, वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। अब आपको हम जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति बताते हैं कि जगन्नाथ शब्द कहाँ से प्रारंभ हुआ। देखेंगे आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी, जहाँ पर 1000 लिंगों का वर्णन है कि किस लिंग की किस प्रकार से स्थापना हुई। वहाँ आता है जगन्नाथ लिंग। बताते हैं कि शिवजी प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो जो शिवजी के पास संहार पद है, शिवजी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है ये शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं।
सभी पैदा होते रहेंगे, मरेंगे नहीं, तो एक दिन वो स्थिति आ जाएगी कि यहाँ तिल डालने की जगह नहीं बचेगी, अर्थात संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये श्रृंगार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने ये श्रृंगार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहाँ से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब दो नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ। अब एक प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि जैसे अभी प्रसंग आया कि नहीं महाभारत से पहले का है, तो महाभारत से पहले की कोई भी इमारत आपको जीवंत नहीं मिलेगी, ना सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का कोई स्थान जीवंत नहीं मिलेगा। तो प्रश्न खड़ा होता है कि इतना प्राचीनतम स्थान फिर जीवंत कैसे? तो हम देखते हैं, ये इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुखी आकृति मानते थे, इसे कलश मानते थे, यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य ना हो तो ये जीवन संभव नहीं है। दूसरी तरफ इधर देखेंगे, ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती, इसके मतलब मौर्य वंश में भी यहाँ काम हुआ। जैसे ही मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ देखेंगे प्रथम खंड में एक कोठरी दक्षिण साइड में, एक कोठरी उत्तर साइड। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें खड़ी मूर्ति है, उस सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है कि जो सूर्य की मूर्तियाँ हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी, उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है, फिर शैव धर्म आ गया। उधर हमारा ईसा मसीह के, हाँ, उधर हमारा सामाजिक विज्ञान वेद भी प्रमाणित करता है कि लोग पहले सूर्य और अग्नि की ही पूजा करते थे, उसके बाद अदर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, जैसा कि केरल के पद्मनाभम मंदिर में। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी, कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब आप इधर देखेंगे, ये जो छत में लगा हुआ जो मानसून पत्थर है स्क्वायर में, इसी के जस्ट लगा हुआ पत्थर मिडिल पे, ये जस्ट लगा हुआ एक पत्थर लगा हुआ है, उसमें एक देखेंगे, गौर करेंगे, एक डिजाइन बनी हुई है। उस डिजाइन को गौर से देखेंगे, अर्ध सूर्य का चिन्ह है। हाँ, अर्ध सूर्य का चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्ध सूर्य का तिलक लगाते थे, इससे मालूम हो जाता था कि नहीं सूर्यवंशी राजा है। अब एक ये प्रश्न खड़ा होता है कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और सूर्य वंश, ये सब चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं को कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे आके सभी राजाओं ने निर्माण क्यों कराया? इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में बहुत विशेष स्थान रहा है, पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही है, इसीलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया, इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा, नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता। प्रथम जगन्नाथपुरी मंदिर यही था, अर्थात जो उड़ीसा में अभी मंदिर है वो इस मंदिर के बाद में उसका निर्माण हुआ। महाभारत काल के बाद वो मंदिर बना, और महाभारत काल के दौरान बोलूं तो महाभारत काल से पहले अर्थात त्रेता और द्वापर के संधि काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। जी जी, सत्य बोल रहा हूं। जी जी, और इस मंदिर में जो यहाँ पर प्रतिमाएं लगी हैं वो हैं, हाँ, ये भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित किए गए हैं, जैसा कि अभी राम दरबार सजाया गया उसमें भी भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ भी जो है ये देखेंगे, भगवान नरनारायण अवतार, ये बराह अवतार, ये मत्स्य अवतार, ये 52 अवतार, ऊपर देखेंगे रामचंद्र जी का अवतार, ऊपर उसके नारद मुनि का अवतार, इधर देखेंगे साइड में ये जो 2 मूर्तियाँ बनी, इसके बगल में खाके में घोड़े में सवार कलयुग में होना कल्कि अवतार, फियाली में बलराम जी का अवतार, ये फरसा लिए हुए नरसिंह अवतार परशुराम का अवतार, ये फरसा लिए हैं परशुराम का अवतार, ये नरसिंह अवतार, ये 2 लोग मथानी लिए खड़े हैं। समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, तो कच्छप अवतार। अच्छा, ये कच्छप, हाँ कच्छप, कच्छप अवतार है, ये कश्यप अवतार है, दिख रहा है, ये कश्यप अवतार है यहाँ पर। पंडित जी, एक बात मेरे को पूछनी थी जी। जगन्नाथपुरी मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं,
देखेंगे वो जैसे वहाँ लोगों ने एक भ्रांतियाँ बना दी कि सुभद्रा बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं, ये निराधार गलत है। अभी हमने बताया कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है पूरे संसार का मालिक, और उस पूरे संसार का मालिक तभी बनेगा जब संसार की संपूर्ण शक्तियाँ उसके अधीन होंगी। तो यहाँ दर्शाया गया कि जगन्नाथ क्यों है, वही दर्शाया गया कि वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ, वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। देखेंगे प्राचीन समय में, आपको और दिखाते हैं, प्राचीन समय में क्या था, जो विष्णु मूर्तियां बनती थीं उनके अगल बगल, जैसे आज के युग में इनको सुभद्रा और बलदाऊ मानते हैं, जैसे राम मंदिर देखेंगे ये जो है इनको सुभद्रा और इनको बलदाऊ मानते हैं। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, जो विष्णु मूर्तियां बनती थीं उनके अगल बगल यक्षिणियां बनाई जाती थीं। ऊपर देखेंगे जो दो 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 मूर्तियां बनी हुई हैं ये गंधर्व लोग बनाए जाते थे जो कि आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। जब हम ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ते हैं तो ब्रह्मवर्त पुराण में देखते हैं कि भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में सुभद्र और बलभद्र जो थे वो भगवान कृष्ण के सेवक थे, लेकिन आधुनिक युग में उनको भाई बहन से सुभद्रा और बलदाऊ से जोड़ दिया गया। इतिहास जब हमारा ज़्यादा प्राचीन होता है तो हमारा मूल स्वरूप खिसकने लगता है और उसमें भ्रांतियाँ जुड़ने लगती हैं। पंडित जी से बहुत कुछ नया मुझे सीखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है मैं काफ़ी पुराण पढ़ता हूँ स्वयं, और यहाँ पर भी पुराण यहाँ पर रखी हुई हैं, पद्म पुराण, गरुण पुराण, मत्स्य पुराण, कर्म पुराण, और पंडित जी जो बता रहे हैं वो अपने आप में सक्षम है ये दर्शाने के लिए कि हमारे इतिहास में क्या छुपाया गया है और क्या बताया गया है, किस चीज़ को वर्णित किया गया है, किस चीज़ को रक्त रंजित किया गया है। अगर सरल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर जो प्रतिमा है मेरे पीछे, इसमें एक बहुत ही भिन्न आपको जो वृतांत मिलेगा वो मैं दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ पंडित जी की कृपा से। ऊपर देखेंगे आप यहाँ पर तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप मिलेंगे भगवान विष्णु के, अर्थात भगवान कृष्ण के अगर आप बोलना चाहें तो। यहाँ पर जो एक भिन्न वृतांत है वो ये है जलहेरी। ये जलहेरी आपको शिव मंदिर में ही देखने को मिलती है। सही कहा मैंने पंडित जी, ये जलहेरी आपको शिव मंदिर में देखने को मिलती है। इसके ऊपर प्रतिमा रखी है राम मंदिर के जैसे ही, जैसे राम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरा यहाँ पर इन्होंने दश अवतार दिखाए हैं और यक्ष हैं ऊपर, गंधर्व हैं जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और वही चीज़ आपको ये मंदिर इतना ऐतिहासिक है और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु जगन्नाथपुरी में आपको भक्तों की भीड़ मिलेगी, यहाँ आपको भक्तों की भीड़ नहीं मिलेगी। यदि आप कानपुर आते हैं तो पंडित जी यहाँ आने का, कानपुर से 35 किलोमीटर पड़ता है, सीधे कानपुर से आएंगे हम हमीरपुर रोड, और हमीरपुर रोड से धर्मपुर बम्बा से 8 किलोमीटर जो है दक्षिण की तरफ पे पड़ता है। गूगल पे आप डालेंगे मॉनसून मंदिर, क्योंकि वर्षा कब होगी उसका पहले से ही ये प्रिडिक्शन कर दिया करता है, एक तरीके से बोलूँ तो पूर्व अनुमान वर्षा का इस मंदिर में आपको। अच्छा कल वर्षा हुई थी वैसे, हल्की सी हुई थी, तो आपको पता लगा पहले की होगी? नहीं, ये तो बताया ना कि जिसमें जिस प्रकार की बूंदें आती, जैसे नमी आती मॉइस्चर और हल्के बूंदे लगा कि होगी, तो वो ऐसा है कि यही अपने बताया कि यदि पत्थर पे नमी आती और हल्की बूंद दिखाई देती तो इसका तात्पर्य होता है कि आपको बादल आएंगे, बादल इस तरह आएंगे कि ऐसा लगे कि बहुत भारी बरसात होगी, लेकिन बूंदाबांदी होगी, भारी बरसात नहीं होगी। तो ये यही आज आश्चर्य का है कि ये पत्थर बहुत सटीक भविष्यवाणी करता है। जिस प्रकार इस पत्थर का सिद्धांत है कि जितनी ज़्यादा बूंदें होंगी उतने अधिक पानी होगी, जितनी अधिक बूंदें होंगी उतना ही अधिक पानी होगा। और मैं रात पर सोया नहीं हूँ, ये कानपुर में अच्छा होटल मिला नहीं, परंतु यहाँ आकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सत्य यहाँ कहीं छुपा हुआ है जिसको हम उजागर नहीं करना चाहते, हम देखना चाहते नहीं हैं। ये मंदिर अपने आप में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, और यदि आपको अपने जीवन में अवसर मिले तो एक बार यहाँ दर्शन करने अवश्य आना है। पंडित जी का शुभ नाम क्या है? हमारा नाम केपी शुक्ला है। केपी शुक्ला जी हैं पंडित जी, तो यहाँ आपको एक बार अवश्य आना है। ये जो निर्माण है
क्योंकि उड़ीसा का जो मंदिर है जगन्नाथपुरी, वो 12वीं शताब्दी में उसका निर्माण किया गया था और इसका निर्माण उससे भी प्राचीन है। यहाँ आके आपको स्वयं ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। ऊपर देखिए आप, ये वो पत्थर है, चौकोर जो पत्थर है, जो पंडित जी ने मुझे बताया है, पूरा इसकी जानकारी दी है। ये वो पत्थर है जो पूर्व अनुमान दिया करता है। पंडित जी, यहाँ पर कुछ लोग आए भी थे, साइंटिस्ट वगैरह? हाँ, बहुत से आते हैं लोग, लेकिन अब ये साइंटिस्टों का मानना है कि ये बलुवट पत्थर है, जब हीट ज़्यादा होती है तो ये दीवालों से नमी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से बूंदें आएंगी, ये आश्चर्य अपने में अलग समेटे हुए। उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क होगा, परंतु सैद्धांतिक रूप से उसके पीछे कोई ना कोई चमत्कारिक तर्क भी है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, कुछ है अंदर। ओहो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु इस मंदिर का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। तो इस मंदिर का विश्लेषण और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, और बताऊंगा कि भगवान जगन्नाथ के नाम का असली अर्थ क्या है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अगला पार्ट भी इसका अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। जय हो भगवान जगन्नाथ की।